नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जरूरी कार्य के बिना महानगरपालिका में न आए, आयुक्त ने नागरिकों से की अपील। लिव इन रिलेशन में महिला की हत्या, इमामवाड़ा के टिक्किया पर एमपीडीए। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। जरूरी कार्य के बिना महानगरपालिका में न आए, आयुक्त ने नागरिकों से की अपील। नागपुर में रोजाना कोविड 19 संक्रमितों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, पॉजिटिव रोगियों की संख्या भी बढ़ गई है। महानगरपालिका के मुख्य कार्यालय व जोनल कार्यालय में रोजाना विभिन्न कार्यों के लिए बड़ी संख्या में नागरिक पहुंच रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र से आने वाले नागरिकों की भीड़ से संक्रमण फैलने की आशंका है। इसे देखते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने नागरिकों से अपील की है कि मनपा मुख्यालय और जोनल कार्यालय में तभी आए जब अत्यावश्यक काम हो, इसके अलावा मनपा कार्यालय जाने से बचे। इस संदर्भ में मनपा की तरफ से मिशन बिगेन अगेन अंतर्गत आदेश जारी किया है। इस आदेश अनुसार मनपा कार्यालय में भीड़ पर नियंत्रित करने के लिए और आवश्यक काम के लिए नागरिकों को पहले अनुमति दी जाएगी। आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि मनपा मुख्यालय के साथ साथ जोनल कार्यालय में बहुत जरूरी काम के अलावा जाने से बचे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नागरिकों की मनपा के किसी जरूरी काम की शिकायत हो तो वे मनपा के नागपुर लाइव सिटी मोबाइल ऐप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो वही दूसरी ओर लिव इन रिलेशन में महिला की हत्या। कपिल नगर थाना अंतर्गत लिव इन में रहने वाली महिला मजदूर की उसके साथी ने ही हत्या कर दी। यह घटना बुधवार की रात हुई। मृतक सारिका शंकर पटेल सुदाम नगरी अंबाजरी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सारिका लंबे समय से आरोपी जाहिद यूसुफ शेख के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। दीपक नगर में मनोज बागड़े के घर का निर्माण कार्य चल रहा है। होली के चलते मजदूर गांव गए हैं। निर्माण सामग्री की निगरानी के लिए बागड़े ने शेख और सारिका को वहां रखा था। 6 दिनों से वे निर्माणाधीन इमारत में रह रहे थे। बुधवार रात 10 बजे कपिल नगर पुलिस को सारिका के जख्मी होने का पता चलने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शेख ने सारिका के पहली मंजिल से अचानक गिरने की वजह से जख्मी होना बताया। पुलिस को संदेह हुआ। कपिल नगर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें जाहिद द्वारा पहली मंजिल से सिर पर ईंट मारकर सारिका की हत्या किए जाने का पता चला। इसके बाद देर रात पुलिस ने जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। तो वही तीसरी और इमामवाड़ा के टिक्किया पर एमपीडीए। इमामवाड़ा के गुंडे मुकुल उर्फ टिक्किया पडोले को एमपीडीए के तहत जेल भेजा गया है। जातत रोडी निवासी टिक्किया पर हत्या, हत्या का प्रयास, हमला, दंगे आदि के केस दर्ज है। उस पर प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई है, फिर भी वह काबू में नहीं आ रहा है। उपायुक्त डॉक्टर अंकुश शिंदे की सिफारिश पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने टिक्किया पर एमपीडीए की कार्रवाई की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।